जिलाधिकारी आर विमला ने कहा कि जल संसाधनों का प्रदूषण वर्तमान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जल प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी जन जागरूकता की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल मिलने के संकल्प के लिए जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। जल संपदा विभाग, विदर्भ सिंचाई विकास महामंडल और भारतीय जल संसाधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जल जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन जिलाधिकारी के हाथों सिंचन भवन में आयोजित समारोह की अध्यक्षता में विदर्भ सिंचाई विकास महामंडल के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र कुमार मोहिती ने की। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक हेमराज बाकुल, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता डॉक्टर प्रकाश पवार, गोसीखुर्द परियोजना के मुख्य अभियंता आशीष देवगढ़ी, भारतीय जल संसाधन केंद्र के अध्यक्ष संजीव वानखेड़े, सचिव प्रवीण महाजन, विदर्भ सिंचाई विकास महामंडल के अधीक्षक अभियंता राजेश सोतके, लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरण शासक और अधीक्षण अभियंता उमेश पवार, गोसीखुर्द अधीक्षक अभियंता अंकुर देसाई उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।